ओम शांति। थक तो नहीं गए हैं? नहीं, कितना सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं थके। अच्छा, समय कैसे बीत गया पता चला? तो आज का हमारा विषय ही है समय। कहा जाता है कि समय किसके लिए रुकता नहीं। हम जरूर समय के लिए रुकते हैं, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे वो करूंगा, अभी 5 मिनट और है, अभी आधा घंटा और है, तो हम समय के लिए रुकते हैं। पर समय हमारे लिए कभी नहीं रुकता। रुकता है कभी? समय सोचता है कि नहीं, अभी मैं इसको नहीं उठाऊंगा। कहा जाता है काल, काल किसी के लिए भी रुकता नहीं। और काल के दो अर्थ है, एक अर्थ है मृत्यु और दूसरा अर्थ है समय। समय को काल कहते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और मृत्यु को भी काल कहते हैं कि उसे काल खा गया, यानी मृत्यु उसे आ गई। तो काल कुछ खाता नहीं है, लेकिन अवश्य समय बीत जाता है। और समय पर अगर नहीं किया तो फिर पछताने से क्या होगा। इसीलिए कहा गया है, अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत में बहुत अच्छी फसल है पर समय पर उसे काटा ही नहीं, तो चिड़िया आके उससे चुग कर खत्म करके गई, पता भी नहीं चला। इंग्लिश में भी बहुत कहावत है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। धूप है उस समय न हे बनाते हैं जो सूखा घास है, तो सूखा करना है तो धूप में कीजिए, और बारिश आ गई तो वो नहीं बनेगा। इसलिए समय का बड़ा महत्व है। पर ये समय है क्या चीज? ये भी कहा जाता है कि वो भी कभी समय नहीं था जब समय नहीं था। ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब समय नहीं होगा, यानी समय सदा ही है। तो ऐसा कभी समय नहीं था जब समय नहीं था, और न कभी ऐसा समय आएगा जब समय नहीं होगा। तो समय की भेंट हम किससे करें? तो कहा जाता है कि समय की भेंट हम लकीर से नहीं कर सकते हैं। लकीर आरंभ होती है और अंत को भी पाती है। शुरू करते हैं लकीर और लकीर को पूरी भी करते हैं। लकीर के लिए कहा जाता है कि अगर आप उस लकीर को बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे आप उसको बढ़ाएंगे? उसके आगे एक छोटी लकीर डाल लीजिए तो वो पहली वाली लकीर बड़ी हो जाएगी, और अगर आप उस लकीर को छोटा करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? उस लकीर के आगे दूसरी लकीर बड़ी लगा दीजिए तो वो लकीर छोटी हो जाएगी, क्योंकि छोटा बड़ा ये तो रिलेटिव है। अब ये तो आप लकीर के लिए कर सकते हैं, लेकिन समय एक लकीर की तरह नहीं है जो उसको बढ़ाया जाए या छोटा किया जाए। पर समय एक चक्र की तरह है। चक्र माना जिसकी न आदि है न अंत है, नो बिगिनिंग एंड नो एंड, एंड येट इट एग्जिस्ट। जस्ट एज अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, इन्फिनिटी हैज नो डायमेंशंस एंड येट इट एग्जिस्ट।
Similarly, a cycle has no has dimensions, definitely. You can make it small or big, it's up to you. But there's no beginning and no end. आप कहाँ कहेंगे कि यहाँ से ये साइकिल शुरू हुआ, यहाँ अंत होगा? लेकिन फिर भी हम साइकिल में बिगिनिंग और एंड एक परिवर्तन के हिसाब से बता सकते हैं. एक है ट्रांजिशनल चेंज, जो धीरे 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 चेंज होता है, पता भी नहीं चलता कि धीरे धीरे सुई के कांटे बदलते जा रहे. ये ट्रांजिशनल चेंज है. धीरे धीरे एएम से पीएम हुआ 12 घंटे के बाद, और फिर धीरे 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 पीएम चलता रहा 12 घंटे तक. पर एएम से पीएम एक सेकेंड में हुआ, और पीएम से एएम एक सेकेंड में. वो नून हुआ, वो मिडनाइट हुआ, और एक सेकेंड में चेंज. तो एक है ट्रांजिशनल चेंज और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज. एंड चेंज इज अ मस्ट. इसलिए मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है, इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज चेंजिंग एक्सेप्ट चेंज. चेंज इज नॉट चेंजिंग. चेंज इज ऑलवेज देयर बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग. लेकिन अवश्य उसका ड्यूरेशन तो होगा, क्योंकि हर चीज में ड्यूरेशन है. साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, हम 25 घंटा नहीं बना सकते हैं एक दिन और रात के चक्र को. साइकिल ऑफ सीजन्स, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ अ मिनट 60 seconds, 61 seconds नहीं होंगे. साइकिल ऑफ 60 minutes इन 1 hour. फिर उसी प्रकार 24 hours इन 1 day, यू कैन मेक 25 hours. इसी प्रकार 12 महीने इन इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, नो 13 months, 12 months. इसी प्रकार 7 दिन आप देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे के बाद फिर से मंडे. देयर इज नो 8th day. देयर इज नो 8th day, बट दैट 8th day विल कम अगेन एज अ मंडे. इसीलिए कई बार कहा जाता है जीवन ही 7 दिन का है. कितने दिन का है जीवन? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, इन 7 दिनों में से 1 दिन आपका जन्म है और 1 दिन मृत्यु है ना, कि 8वां दिन कोई आएगा मृत्यु के लिए या जन्म के लिए. इन्हीं 7 दिनों का ही सारा खेल है. तो इसी प्रकार हम देखते हैं हर एक चीज एक साइकिल से गुजरती है. तो अगर हम इस साइकिल को सही रूप से समझेंगे, बेहद रूप में, तो यह अनलिमिटेड डे एंड नाइट भी है. अनलिमिटेड डे एंड नाइट का मतलब है कि अवधि जरा, ड्यूरेशन जरा लंबी है. वो तो दिन और रात 12-12 घंटे का होता है, उस हिसाब से हम एएम पीएम कहते हैं. लेकिन ये अनलिमिटेड क्यों? क्योंकि थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है. और कई बार इस लंबे ड्यूरेशन के कारण हम ये भूल जाते हैं कि ये एक साइकिल है. आज जो हम देख रहे हैं, हो रहा है, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये पहले भी हुआ है और फिर भी होगा. विल यू एक्सेप्ट दिस? कि नथिंग इज न्यू. अगर सचमुच कुछ नया होता तो लोग भविष्यवाणियां नहीं करते, फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर पाते. मींस इट कैन बी प्रेडिक्टेबल. भविष्य की प्रेडिक्शन करते हैं, दैट मींस इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेंज. पहले से ही पता है. पीपल आर एबल टू गेट इंट्यूशंस ऑफ द फ्यूचर.
क्या नहीं वो देखते हैं भविष्य को, वो अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन पहले से ही उनको ये सबकॉन्शियसनेस की बात कह रहे थे सूरज भाई। ये सबकॉन्शियसनेस में ये कई बातें अनुभव होती है जो अभी हुई नहीं है लेकिन होगी, पहले से ही पता चल जाता है। तो इसी प्रकार एक अनलिमिटेड डे एंड नाइट है, और ऐसा अनलिमिटेड डे एंड नाइट है कि एक साइकिल के बाद फिर वही साइकिल रिपीट होगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे? ये परमात्मा ने अपनी रचना का सीक्रेट बताया है, और इस सीक्रेट में तीन इटर्नल एंटिटीज है। पुरुष और प्रकृति की बात सूरज भाई ने कही, तो पुरुष और प्रकृति के बीच का खेल है, खेल दो के बीच में है, तीन के बीच में खेल नहीं होता, खेल दो के बीच में है, पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति माना मैटर पंचतत्व। पर तीसरी भी एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं परम पुरुष यानी परम आत्मा। खेल दो के बीच में है, पुरुष और प्रकृति के बीच में, पर परम पुरुष तब इंटरवीन होता है जब इस खेल में गड़बड़ होने लगती है। जब पुरुष प्रधान है प्रकृति पर तो ये संसार सतयुग है, मानव देव है, नर नारायण है, नारी लक्ष्मी है, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति का वर्चस्व पुरुष पर आने लगता है, और जब प्रकृति प्रधान हो जाती है पुरुष पर तो यह संसार नरक बन जाता है, कलयुग आ जाता है। जैसे दिन के बाद रात भी अवश्यम भावी है, इट इज अ मस्ट, लेकिन रात को फिर से दिन बनाने के लिए सूरज को, सूर्य को उदय होना पड़ता है, और सूर्य उदय होता है और फिर से सवेरा हो जाता है। तो जब प्रकृति का वर्चस्व कंट्रोल पुरुष पर हो जाता है, जिस तक जैसे ड्राइवर का पूरा कंट्रोल है शरीर पर, कार पर, व्हीकल पर, तो ड्राइविंग करना एक खेल है, इट्स अ गेम, इट्स अ प्लेजर, मजा आता है। लेकिन अगर ड्राइवर पिया हुआ हो या ब्रेक उसकी फेल हो गई हो और कंट्रोल खत्म हो गया और कार टेक ओवर कर लेती है ड्राइवर के ऊपर, तो क्या होता है? वही मजा एक सेकेंड में नष्ट हो जाता है, और केओस, एक्सीडेंट, डेथ, सफरिंग, ये सारी बातें आने लगती है। फिर पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है ना, पुलिस ऐसे बीच में थोड़ी आएगी, पुलिस तब आएगी जब कार का कंट्रोल ड्राइवर पर आ गया, ड्राइवर का कंट्रोल खत्म हो गया। तो हम देखते हैं कि प्रकृति गाड़ी की तरह और पुरुष आत्मा ड्राइवर की तरह। तो आज जो हम ये कलयुग की स्थिति देख रहे हैं, इसका मूल कारण ही है कि प्रकृति का प्रभाव आत्मा पर आ गया है, ये पंच इंद्रियां मालिक हो गई है, जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों का रस इतना प्रभावशाली हो गया है कि आत्मा उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। इंद्रियों ने मन को अपने वश में कर लिया है, मन इंद्रियों के वशीभूत है, होना चाहिए इंद्रियां सेवक, मन उसके ऊपर हो, मन जैसे इंद्रियों को डायरेक्शन दे वैसे इंद्रियां चले, न कि इंद्रियां जैसे कहे वैसे मन चले, और मन के ऊपर बुद्धि है।
तो सोच समझ कर कर्म करो, तो सोचने का काम मन का, फिर उसको समझने का काम बुद्धि का, फिर तीसरा स्टेप है कर्म, सोच समझ कर कर्म करो। इंद्रियों से उपयोग का यूज थर्ड स्टेप है, लेकिन उल्टी गाड़ी चल रही है। सोच समझ कर कर्म करने के बजाय कर्म कर लिया एक्सटेम्पो, तुरंत हाथ बंदूक लेके गोली मार दी, हत्या कर दी, हत्या हो गई, मर गया गुस्से में आकर के किया बिना सोचे समझे। अब उसके बाद समझ आई, हाँ उल्टा रिवर्स करने के बाद समझ आई, अरे ये तो मर गया, हो सकता है ये नहीं होगा कि इसको मार डाले, होगा कि इसको थोड़ी धमकी दे डराए, पर बंदूक तो उठाई ना और गोली चल गई और वो सचमुच उसी समय मर गया। तो फिर समझा, अरे ये तो मर गया, फिर सोच चलेगा अभी क्या करें, हम अपने को कैसे बचाएं। तो देखिए, सोच समझ कर कर्म करने के बजाय कर्म करने के बाद समझा, समझे समझने के बाद सोचने लगे, ये है उल्टी गाड़ी। ड्राइवर मालिक बनने के बजाय गाड़ी मालिक हो गई। लेकिन फिर वो इंटरवेंशन कौन करेगा? अब ये संसार का भी यही हाल है। तभी परमात्मा के महावाक्य हैं, जब जब संसार में धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूं। तो पुरुष और प्रकृति के इस खेल में आज प्रकृति मालिक हो गई है, पुरुष उसका गुलाम हो गया, आत्मा उसकी गुलाम हो गई है। अब परमात्मा को इंटरवीन करने की आवश्यकता है। अब वो कैसे इंटरवीन करते हैं? इंटरफियर नहीं करते हैं, इंटरवीन करते हैं, अलग है दोनों में अर्थ। जिस प्रकार राष्ट्रपति का इंटरफियरेंस नहीं है, राजनीति के अंदर जो लॉज बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, और या लोकसभा राज्यसभा में जो भी कानून पास होते हैं, प्रेसिडेंट को सिर्फ साइन करना है बस। लेकिन प्रेसिडेंट का इंटरवेंशन होता है जरूर। कब? जब सरकार ठीक नहीं चलती, गवर्नर्स रूल आ जाएगा, प्रेसिडेंट्स रूल आ जाएगा, पर वो तब है एक्सट्रीम केसेस में, अदरवाइज द प्रेसिडेंट विल नॉट इंटरफियर। इसी प्रकार परमात्मा का भी इंटरवेंशन तब है जब ये गड़बड़ होने लगती है दुनिया के अंदर। तो इसलिए इन तीन इटर्नल एंटिटीज को हम पहचाने। कोई अगर ये पूछे कि आत्मा को किसने बनाया, परमात्मा को किसने बनाया, प्रकृति को किसने बनाया, कब बनाया, वास्तव में तीनों को किसने भी नहीं बनाया, ये तीनों अनादि अविनाशी सत्ताएं हैं। प्रकृति के विषय में तो विज्ञान बहुत सुंदर बात सुनाता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इज फॉर्म फ्रॉम वन टू द अदर, बट टोटल सम रिमेन्स द सेम। हम ये पहले पहले विज्ञान में ये पढ़ते हैं। सो मैटर इज इटर्नल, फिजिकल एनर्जी इज ऑल्सो इटर्नल, इक्वेशन इज इक्वल एंड ऑपोजिट। सो जस्ट एज फिजिकल एनर्जी इज इटर्नल, एंट्रोपी होती है, फिर इंटरवेंशन होता है, इट कम्स बैक टू द ओरिजिन। इसी प्रकार मेटाफिजिक्स के अंतर्गत जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी इटर्नल है। आत्मा की स्पिरिचुअल एनर्जी है, परमात्मा की स्पिरिचुअल एनर्जी है। प्रकृति अपने लिए नहीं है, इसीलिए बहुत सुंदर कहा है, नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपना जो दूजो को दे वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। सचमुच ऐसे है। तो जिस प्रकार प्रकृति की भारत के अंदर, भारत की संस्कृति में प्रकृति की पूजा होती है,
जल देवता, वायु देवता, ये देवता माने गए हैं, वृक्ष को देवता, पृथ्वी को देवता, इनको देवता कहा गया है। देवता क्यों? क्योंकि दाता है, देते हैं। एक बीज डालते हैं, कितने बीज मिल जाते हैं धरती से। तो ये दाता है, अपने लिए नहीं है प्रकृति। तो प्रकृति के ऊपर पुरुष है, और पुरुष भी अगर दाता बन जाए तो वो परम पुरुष की तरह है, वो भगवान बने। पर भगवान तो एक ही है, वो तो निराकार है। तो ये जो तीन अविनाशी सत्ताएं हैं, इनको हमें समझना है। सो प्ले इज बिटवीन सोल एंड मैटर और पुरुष एंड प्रकृति। When soul is master of matter, it is heaven on earth. And when soul is slave of matter, it is hell on earth. So, abhi hell on earth hai, because soul has become slave of matter. Ab isko kaise hum badle? God has to intervene. To char yugo ke baare mein to hum sab jante hain. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और सतयुग त्रेता अगर हम समाने समझें तो वो स्वर्ग का समय है, और द्वापर और कलयुग ये नरक का समय है। इसलिए प्रकलाइट में भी अंतर है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन। अभी हम कहेंगे आयरन, कलयुग, कल, कल शब्द का बहुत अर्थ हो सकता है। कल माना काला, कल माना कल है, कल माना क्लेश, कल माना लड़ाई झगड़ा, ये सब कल के अंतर्गत आता है। और हिंदी भाषा में जो बीत गया वो भी कल, जो आने वाला है वो भी कल, हाँ, कल शब्द। और कल, और कल का नाम काल है, ये भी कहा गया है। कल कभी नहीं आता, ये भी कहा गया है, क्योंकि अगर हम कहेंगे कल करेंगे, वो कल तो आज बन जाएगा ना, वो कल तो नहीं आया ना, वो तो आज हो गया फिर। इसलिए कल कभी नहीं आता, ये भी कहा जाता है। जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अभी, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कभी। परंतु ये कली युग, कलहे युग, काला युग इस समय चल रहा है, पर ये भी बहुत काल नहीं चलेगा, उसके बाद सवेरा आना है जरूर। तो अभी जो समय चल रहा है, अभी ये परिवर्तन का समय चल रहा है। घड़ी की सुई टिक 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 करके कहाँ पहुंची है? 12 बजने में कितने मिनट बाकी होंगे? नॉर्वे में एक वर्ल्ड क्लॉक है। जब भी दुनिया में कुछ ऐसी हलचल होती है, तुरंत वो जो बड़ी सुई है वो और आगे बढ़ाते हैं, छोटी सुई के आगे, है ना? फिर थोड़ी शांति हुई, फिर थोड़ा पीछे कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी सुई कहाँ जा रही है? छोटी के नजदीक जा रही है, दूर जा रही है, हा? तो इसीलिए परमात्मा भी हमें कहते, अभी जो समय चल रहा है ये सतयुग तो नहीं है, परंतु जिन्होंने अपने आप को पहचाना कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक ज्योति हूं, मैं प्रकाश का पुंज हूं, मैं एक चमकता हुआ सितारा, अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा हूं, और मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा भी कौन है उसको पहचाना, और कर्मों को पहचाना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये कल सुबह का आपका विषय हम लेंगे, कर्मों की गुह्य गति। और फिर समय को भी पहचाना कि अभी कौन सा समय चल रहा है। अब उनके लिए कलयुग नहीं है। अगर हम आप सबसे पूछे कौन सा युग चल रहा है, आप हर एक कहेंगे कलयुग चल रहा है, कोई नहीं कहेगा सतयुग चल रहा है। लेकिन अगर हम लोगों से आप पूछेंगे, हम कहेंगे कलयुग भी बीत गया। अभी कलयुग और सतयुग दोनों के बीच का ये संधि काल है, संगम युग जिसको हम कहते हैं। जैसे संगम का बड़ा महत्व है,
इलाहाबाद में आप जाएंगे, गंगा जमुना सरस्वती कहते तीन नदियों का संगम है। आप कलकत्ता में जाएंगे, वहाँ गंगा सागर है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेल है, नदी सागर का मेल, चाहे नदियों का मेल, जहाँ पर दो का मिलन है, तीन का मिलन है, वो संगम कहलाता है। और संगम पर खास स्नान करने जाते हैं, समझते हैं? पाप धुल जाएंगे। तो ये युगों का संगम है, जबकि कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का ये बीच का संगम युग जो पुरुषोत्तम युग है, जिसमें पुरुष नर नारायण बन सकता है, पुरुष पुरुषोत्तम बन सकता है, नारी श्री लक्ष्मी बन सकती है, मानव देव बन सकता है। वैसे तो सतयुग और त्रेता का भी संगम होगा, त्रेता और द्वापुर का भी संगम होगा, द्वापुर और कलयुग का भी संगम होगा, लेकिन उसमें तो गिरती कला है, गिरती कला है। लेकिन यह संगम जो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम है, ये चढ़ती कला का संगम है। तो अब वो समय वास्तव में आ चुका है, जबकि स्वयं परमात्मा इस संगम युग पर अपना कार्य कर रहे हैं। नर्क और स्वर्ग, इसकी भी जब मनुष्य कल्पना करते हैं तो कई प्रकार के विचार हैं उनके। कई समझते हैं स्वर्ग तो कहीं ऊपर है और नर्क तो कहीं नीचे है। हम अपने पाप कर्मों की भोगना नर्क में जाकर भोगते हैं, और अच्छे कर्मों की प्रालब्ध या वो प्राप्ति हम स्वर्ग में करते हैं। वास्तव में स्वर्ग और नर्क ये कोई अलग दुनिया ही नहीं है। आपको कल बताया कि ये साकार लोक जो प्रकृति का लोक है, स्वर्ग नर्क सूरज सूर्य चंद्रमा तारागण, ये सब पंच तत्वों के अंतर्गत आता है। लेकिन स्वर्ग और नर्क का समय अलग अलग जरूर है, जैसे दिन और रात का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार स्वर्ग अर्थात सतयुग और त्रेता, और वही आत्माएं कैसे त्रेता के बाद द्वापुर और कलयुग में आती है, और फिर इस समय हम संगम पर हैं। तो वो देवी देवताएं जो सतयुग में थे, वो सब कहाँ चले गए? कई बार हम पूछते हैं ये कहाँ चले गए। 33 करोड़ देवी देवताएं भारत की जनसंख्या थी, वो 33 करोड़ देवी देवताएं जो भारत में थे, वो सब कहाँ चले गए? तो कई कहते हैं ऊपर चले गए, कई कहते हैं उनको मोक्ष मिल गया, कई कहते हैं वो स्वर्ग में चले गए। हम कहते हैं नहीं, वो कहीं नहीं गए, वो आत्मा यहाँ ही चक्र लगा रही है और ये सब बैठे हैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में। विल यू बिलीव, विल यू बिलीव? जो समझते यस आई कैन बिलीव रेज योर हैंड। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए हम सतयुग और त्रेता और द्वापुर और कलयुग को समझने के बाद संगम युग को समझें, कि यह जो कल्याणकारी संगम युग है, इस संगम युग को एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने का युग कहेंगे, जबकि रात बदल कर फिर से दिन आना है। विनाश का मतलब ये नहीं है कि टोटल एनहाइलेशन, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिख दिया, प्रलय हो गई, सब कुछ जलमग्न हो गया, सब कुछ जलमग्न नहीं होता है। ये पंच तत्व अनादि और अविनाशी है, इसलिए विनाश शब्द सुनकर के कई लोग बहुत डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। परमात्मा ने हमको आकर के ये खुशखबरी बताई है कि बच्चे जो भी होगा वो बड़ा कल्याणकारी होगा, कुछ भी अकल्याणकारी नहीं होगा, क्योंकि फिर से सवेरा आना है। रात का घनघोर अंधेरा हम जब देखते हैं, वो भी अमावस्या की रात होती है, बिल्कुल अंधेरा होता है, मान लो
बहुत डर लग सकता है, लेकिन अंतर में यह खुशी होती है कि फिर से सवेरा आना है। ठंडी एकदम विंटर सीजन में इतनी ठंडी होती, इतनी ठंडी होती है, बोर हो जाते इतनी ठंडी से, कितने गर्म कपड़े पहने। यहाँ तो फिर भी कुछ नहीं है, अब माउंट आबू आएंगे तो वहां पर 0 डिग्री तक जाता है। बहुत था दिसंबर में, अभी भी बहुत है, सुबह आज भी बहुत था। माउंट आबू से पांडव भवन से यहाँ आए हैं, बहुत ठंडी थी। यहाँ आते तो लगता अरे तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वहां तो 6-7 डिग्री और नीचे चला जाता है माउंट आबू में, और जो गुरु शिखर है माउंट आबू का जो पीक है, वहां तो कोई पहुंचना भी मुश्किल, इतनी ठंडी होती है। तो इसीलिए वही टेम्परेचर भी देते हैं, माउंट आबू का टेम्परेचर देते हैं गुरु शिखर का, क्योंकि वहाँ मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ का टेम्परेचर देते हैं। लेकिन जहाँ पांडव भवन है वो 4000 फीट की ऊंचाई पर है, वो भी कम ठंडा नहीं है। तो इसीलिए हम अभी यही कहते हैं कि दुनिया कोई नष्ट नहीं होगी, लेकिन परिवर्तन जरूर होगी। और फिर जैसे विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, इतना अच्छा लगता है बाहरी मौसम, वही सतयुगी दुनिया होगी। तो हम अभी क्या समझें, दिस कॉन्फ्लुएंस एज या संगम युग, इट इज द एंड ऑफ वन साइकिल एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। इसीलिए इस रात को देख करके हम घबराए नहीं, डरे नहीं। संसार में बुराइयां देख करके हम ये न सोचे क्या हाल हो गया इस संसार का। कई बार टीवी देखते हैं, आजकल कई ऐसे चैनल्स हैं, इतनी सनसनी खेज बातें बताते, इतना उसको ब्लोअप कर देते हैं कई बातों को, तो लोग तो डर जाते हैं, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में जो होगा उसमें कल्याण होगा, और जो भी होगा वो नया नहीं होगा। ये नया नहीं होगा, हर धर्म के अंदर इसकी व्याख्या है, हर धर्म में है, इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में है, हिंदुइज्म में है, बुद्धिज्म में है, सब धर्मों में एक है। धर्म पिताओं ने वो पहले से ही पहचान लिया था, इसलिए वर्णन है सब, लेकिन उसको कितना समझा है हम लोगों ने, इसको हमें देखना है। महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी, राम राज्य। तो क्या ये सचमुच कल्पना ही है, क्या सचमुच था भी? राम राज्य के लिए क्या वर्णन किया महात्मा गांधी ने, कि जब भारत के इंडिपेंडेंस की बात थी, कि हम वो राम राज्य लाना चाहते हैं जिसमें कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा सुखी हो, एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक एक एक, उस एक को राम राज्य कहा। जहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हो, कभी नहीं सुना होगा शेर और गाय एक घाट पर पानी पिए, लेकिन वो ऐसा समय था जबकि जानवरों में भी इतना प्रेम था, तो मनुष्यों में कितना नहीं होगा, जानवरों में भी इतना प्रेम। तो इसलिए हम देखते कहते हैं, अगर हम कहते ये चाहिए तो अवश्य आत्मा के सबकॉन्शियसनेस में वो अनुभव है उस राम राज्य का, और वो भारत में ही था जबकि मानव देव था, नर नारायण था। तो कैसे वो ट्रू राम राज्य या ट्रू पैराडाइज था, अब नहीं है, वो फिर से आना है। क्रिश्चियनिटी में जो फर्स्ट टेस्टामेंट है उसमें बहुत सुंदर रूप से दिया है कि गॉड ने, भगवान ने मैन को जब पैदा किया, एडम को पैदा किया, ईव को पैदा किया, जो कहानी है, परंतु उनको ये जरूर कहा गया कि ये फॉरबिडन फ्रूट मत खाओ। गॉड्स स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, डोंट ईट दैट फॉरबिडन फ्रूट। लेकिन बहुत समय तक वो पैराडाइज का सुख लिया, उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाया। एक दिन शैतान आ गया,
और सैतन शैतान ने उनको एनकरेज किया कि आप ये खाओ, भगवान का कहना मत मानो। और जैसे ही खाया, कहानी लंबी है, तो क्या हुआ, दोनों को महसूस हुआ कि अरे वस्त्र नहीं है या जो भी बताते हैं, और काम वासना के वशीभूत हुए, विकारों के वशीभूत हुए, क्योंकि देह अभिमान का वो फॉरबिडन फ्रूट था, बॉडी कॉन्शियसनेस का वो फॉरबिडन फ्रूट था। सत्युग त्रेता में सोल कॉन्शियस स्थिति है, और जैसे ही बॉडी कॉन्शियस हुए, उससे काम क्रोध लोभ अहंकार की प्रवेशता हुई। और फिर दिखाते हैं कि गॉड ने, परमात्मा ने दोनों को श्राप दिया, एडम को भी और ईव को भी। और क्या श्राप दिया, ईव को श्राप दिया कि आप बच्चा पैदा करने लिए कष्ट उठाओ, क्योंकि माँ बच्चे को पैदा करती है। और एडम को श्राप दिया कि आप उस बच्चे की पालना के लिए दिन रात पसीना बहाओ, समझा, दिन रात पसीना बहाओ। दोनों को श्राप मिल गया, दोनों को कष्ट उठाने का श्राप मिल गया। भगवान तो ऐसे श्राप नहीं देगा, लेकिन उसका भावार्थ है कि ये देह अभिमान में जैसे हम आए, तो कैसे ये श्राप आत्मा को मिल गया रावण के द्वारा। अब उसको भी थोड़ा हम समझेंगे, और हम स्वर्ग से नरक में आ गए, और अब फिर से परमात्मा हमें वरदानों से झोली भर रहे हैं, ताकि वापस उसी पैराडाइज में हम जा सके, जब देह अभिमान को हम त्यागेंगे या उस पर जीत प्राप्त करेंगे। ये कल और हम इस पर बताएंगे आपको। तो रावण क्या चीज है, जिसको सैटन कहा, शैतान कहा, वो क्या चीज है। कई समझते हैं कि लंका में कोई रावण का राज्य था, वो सोने की लंका थी, और सीता का रावण ने हरण किया था, और वो अशोक वाटिका में उसको बिठाया था, और फिर राम ने रावण को जीता, रावण पर विजय पाई और सीता को वापस ले आए। ये सब जो कुछ भी रामायण में हम पढ़ते हैं, इसका भावार्थ बहुत गहरा है कि आत्मा रूपी सीता है, वो अशोक वाटिका नहीं जो दिखाते हैं रावण की काश्योप की अशोक वाटिका, पर ये संसार रूपी शोक वाटिका, ये शोक दुख की वाटिका कलयुग है। और रावण का राज्य अर्थात कोई एक आइलैंड नहीं जो श्रीलंका कहलाता है, लेकिन सारा विश्व ही एक आइलैंड की तरह, अगर ये सारी धरती को एक किया जाए, 3/4 water, 1/4 is land ऑफ दिस होल अर्थ, तो हम देखेंगे कि सारे विश्व पर आज रावण का राज्य है, यानी 5 विकारों का राज्य है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नर में, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नारी में। ये 10 सिर रावण के हैं, और आत्मा रूपी सीता इस रावण की शोक वाटिका में फंसी हुई है। अब इस सीता को कौन छुड़ाए, कौन छुड़ाए, कौन रावण पर जीत दिलाए, राम को आना पड़ता है। तो वो राम जो परमात्मा, जिसके लिए कहा जाता है जो सबके रोम में रमने वाला राम, एक परमात्मा है। वैसे 4 प्रकार के राम भी बताते हैं। एक राम तो दशरथ का बेटा जो दिखाया है रामायण में, बताते दशरथ का बेटा था। एक राम जो घट घट वासा, आत्मा भी राम, परमात्मा की संतान तो है। एक राम जो सकल पसारा, जिसने सृष्टि रची, ब्रह्मा जी को भी राम कह सकते हैं, रचयिता है। और एक राम जो जग से न्यारा, जो सारे विश्व से न्यारा है, वो राम आकर के कैसे रावण पर विजय प्राप्त कराता है। रावण को जीतने के लिए एक एक सिर काटने की जरूरत नहीं है। दिखाते कि एक एक सिर काटने की कोशिश की राम ने, तो वो सिर वापस आ जाता था, क्योंकि 10 सिर वाला रावण बड़ा मुश्किल था उसको मारना। तो विभीषण ने राम को कहा, हे राम,
ये रावण ऐसे नहीं मरेगा एक एक सिर काटने से, इनकी जो इनकी इनकी जो आत्मा है या इनकी जो अमृत धारा बह रही है ये इनकी नाभि में है, इनकी नाभि में मारो। तो नाभि में मारेंगे तब रावण की मृत्यु होगी, सिर काटने से नहीं होगी। अब इसका भी बड़ा सुंदर अर्थ है कि ये सारे विकारों की जो जड़ है ये देह का अभिमान है, देह का अभिमान, मैं। तो भगवान ने कहा इस मैं को मारो, अभिमान को मारो। तो मैं को मार नहीं सके, अभिमान को मारना मुश्किल लगा, तो जो निर्दोष जानवर है ना बकरा, जो मैं करता है, उसका ही गला काट करके वो देवी के आगे अर्पित कर देते हैं। समझते हैं कि हमने बकरे की बलि दी या देवी को बलि चढ़ाई। तो वास्तव में देवी ये नहीं मांग रही है कि किसी बकरे की बलि आप चढ़ा करके उसका सिर काली के आगे या देवी के आगे चढ़ाओ, लेकिन ये मैं की बलि चढ़ाओ। तो जब मैं की बलि चढ़ेगी ये सारे विकार नष्ट होंगे, तब रावण राज्य खत्म होगा और फिर राम राज्य आएगा। तैयार हो इसके लिए, तैयार हो हा? ऐसे नहीं कि अंग्रेज चले गए तो राम राज्य आ गया, और ही बड़ा रावण राज्य आ गया है, पूरा ही रावण राज्य है। तो महात्मा गांधी का सपना अधूरा रह गया, लेकिन जो बापूजी का भी बापूजी है ये तो उसका काम है फिर से सृष्टि पर राम राज्य लाना। तो इसीलिए अब इसको हमें बदलना होगा। अभी ये कलयुग, जैसे आपको कल बताया कि ये कलयुगी दुनिया जो रावण राज्य है, एक तरफ विकारों की अग्नि पर जल रही है और दूसरी ओर बमों की वर्षा हो रही है, वो भी आग और वो भी आग, और बोरोड ब्रेथ ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, डर सदा ही है, पता नहीं क्या हो जाए, अचानक कुछ हो जाए, डर ही डर है। लेकिन कई शास्त्र तो अभी तक कह रहे हैं कि कलयुग तो छोटा बच्चा है। कईयों से आपको, कई साधुओं से भी हम बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं माता जी अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है, अभी तो हजारों साल और चलना है, लाखों साल और चलना है। हम कहते इतना छोटा बच्चा ही अगर ऐसा है तो पता नहीं बड़ा होकर के क्या करेगा क्या करेगा बड़ा होकर के। तो हम कहते हैं छोटा बच्चा नहीं है, पर बाकी थोड़ा समय बचा है, बस बच्चा और बचा है ना, फर्क है ना। मान लीजिए आपने अपनी कोई पुरानी एटिक में से कोई पुरानी डायरी निकाली आपकी, उस समय आप 5 साल के बच्चे थे और 5 साल की उम्र में आपने लिखना शुरू किया मानो, और आपने उस डायरी में लिखा था अभी आपकी उम्र 65 साल होगी मान लो जो भी, और वो 5 साल की उम्र में आपने वो डायरी लिखी थी मैं 5 साल का हूँ, और आज आप 60 साल के बाद उस डायरी को फिर से निकाल के पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, मैं 5 साल का हूँ। तो आप 5 साल की हो, हैंडराइटिंग तो आपकी है, अभी तो आप 65 साल के हो गए। तो जिस समय ये शास्त्र लिखे गए होंगे उस समय हो सकता है कलयुग बच्चा हो, लेकिन अभी तो नहीं है ना बच्चा। इसलिए ये भी कहीं हम अज्ञान की नींद में न सोए रहें कि अभी तो कलयुग बच्चा है। तो दिखाया है कुंभकर्ण, रामायण में कुंभकर्ण का वर्णन आता है, 6 महीने सोता था 6 महीने जागता था। तो अभी सोने का समय पूरा हुआ, रावण के ऊपर आपत आई है, कुंभकर्ण को जगाया, पर रावण कुंभकर्ण कहता अभी तो सोने दो अभी तो सोने दो। लेकिन जब उस पर ढोल बजने लगे तब उसको थोड़ा सा होश आया,
तो कहीं हम तो नहीं है वो कुंभकर्ण, हर एक अपने आप को देखे, कहीं हमारे यहाँ दिखा है ब्रह्मा कुमारी एक कान में ज्ञान अमृत डाल रही है और वो दूसरे कान से बह रहा है, अभी तो कोई बात नहीं, कलयुग तो बच्चा है। लेकिन कहीं हम इस गलत फहमी में न रह जाएं, क्योंकि ये आयरन एज न खत्म हो रहा है और सतयुग आ रहा है, और परमात्मा शिव जो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो इस धरा पर आ चुका है और आकर के फिर से हमें वो सत्य ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहा है। तो ये राजयोग क्या है? क्योंकि इस राजयोग के द्वारा हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं। जो आज हम इंद्रियों के आत्मा गुलाम बन गई है, वो फिर से राजा बन जाती है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान मिला कि मैं एक आत्मा हूं। तो जैसे ही मैंने यह निश्चय किया कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर की इंद्रियां मेरी सेवक है, अब इन आंखों से मैं देखना चाहती हूं देखूं, नहीं देखना चाहूं तो देखते हुए भी नहीं देखूं, क्योंकि मैं मालिक हूं। ड्राइवर के हाथ में पूरा कंट्रोल है गाड़ी का, जो यूज करना चाहे गाड़ी के अंदर वो उसके कंट्रोल में वहीं पर है, एक ही जगह है। ये हाथ मेरे कंट्रोल में है, ये मुख मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं ये कह दूं कि पता नहीं ये हाथ कैसे चल पड़ा, किसी को थप्पड़ मार दिया मैंने, और फिर कह रहे पता नहीं क्यों थप्पड़ मार दी मैंने, पता नहीं ये क्यों बोल दिया मैंने, क्यों बोल दिया, अब मुख तो आपका ही था, आपको पता नहीं चला कैसे ये क्यों शब्द बोल दिए, क्यों थप्पड़ मार दी, क्यों ये किया, आपके ही कंट्रोल में था ना। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस जो हम बताते हैं। तो क्यों ये हुआ? क्योंकि इंद्रियां मालिक हो गई। अब जैसे ही हमको आत्मा का ज्ञान मिला, ये पहचान मिली कि मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, तो आत्मा राजा बन जाती है इंद्रियों की। इसलिए कहते हैं दस इंद्रियां, हाँ, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां शरीर की बताते हैं, और फिर अग्यारस का व्रत रखते हैं, अग्यारस एकादशी का व्रत रखते हैं। तो अभी परमात्मा कहते हैं वो व्रत रखो, एकादशी अग्यारस का चलो कोई व्रत रखते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये तो पेट के लिए ठीक है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू वेरी गुड, लेकिन दस पर एक की का विजय, एक की विजय, एकादशी एक की दस पर विजय, यानी मन इंद्रियों को जीते, फिर मन के ऊपर बुद्धि है, वो बुद्धि मन को दिशा दे। इसलिए पहले इंद्रियों का राजा, फिर मन का भी राजा, हम जो सोचना चाहें वो ही सोचें। आपको सूरज भाई ने बताया पहली सोच हमारे मन में क्या हो, जैसे ही हम सुबह उठें, वो मन के विचार भी हमारे वश में हो कि हम जो सोचना चाहें वो ही सोचें। तो मन के भी राजा, ये नहीं कि मैं सोचना तो नहीं चाहती हूं पर क्या करूं क्या करूं, कई कहेंगे भाई इस बात को भूल जाओ, कैसे भूलूं, भूलता नहीं, फिर कोई बात कहेंगे कैसे याद करूं, याद आती नहीं। कई लोग आपके पास आते होंगे शिकायत करने, डॉक्टर साहब पता नहीं मैं बहुत भूल जाती हूं, मैं बहुत भूल जाता हूं, भुलक्कड़ हो गया हूं, बहुत भुलक्कड़ हो गया हूं, सब भूल जाता हूं। लेकिन कुछ ऐसी बात उसके मन में होगी वो कभी नहीं भूलता है, और जिसको जिसको भूलना है वो भूल नहीं सकता, और जिसको याद करना है वो याद आती नहीं। अब दोनों ही गलत, जो बातें भूलना चाहते हैं वो भूल नहीं सकते, और जो याद करना चाहते हैं वो याद नहीं कर सकते। अब इसको क्या कहेंगे? ऐसे नहीं कि कोई भुलक्कड़ हो गए हैं, अगर भुलक्कड़ हो गए होते तो याद भी कुछ भी याद नहीं आता, वो तो डिमेंशिया हो जाता, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ बातें तो भूलती ही नहीं है भाई, चलो क्षमा कर दिया, चलो क्षमा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर क्षमा करके उसको भूल जाना
वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर भूल नहीं सकते, भले क्षमा कर दिया, चलो हम रिवेंज नहीं लेंगे, बदला नहीं लेंगे, क्षमा कर दिया, पर चलो जब वो सामने आएगा वो बात भूल भी गई या वो अभी भी याद है कि इसने ऐसे किया था मेरे से। तो जो बातें भूलनी है वो एक सेकंड में भूल जाए, और जो बातें याद करनी है वो कभी ना भूले। इसको कहते हैं मन जीतना, मन को जीतना। मन को मारना नहीं है, पर मन को मोड़ना है। कहते मन जीते जगत जीत, तो कई समझते हैं मन जीतना माना बिल्कुल ब्लैंक बन जाना, शून्य बन जाना, कुछ भी नहीं सोचना, ये मन जीतना नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो सोच है ना, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, तो ये भी तो सोच है कि कुछ नहीं सोचना है। तो कुछ नहीं सोचना ये बात नहीं है, पर क्या सोचना है वो हम मेडिटेशन में सिखाते। तो इसीलिए मन के भी राजा, जो सोचना चाहे वो ही सोचे, और जो नहीं सोचना चाहे वो एक सेकंड में ब्रेक लगा दे। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों होता है, ये ना हो कि ब्रेक लगाते समय एक्सेलरेटर दबा दिया, कहेंगे पता ही नहीं था, कंट्रोल ही नहीं था, और एक्सेलरेटर दबाना है तो ब्रेक ही दबा रहे हैं, तो कहां चलेगी गाड़ी। तो मन के भी राजा, फिर उसके बाद जब मन के भी राजा बने, इंद्रियों के भी राजा बने, तो सबके दिलों के भी राजा बन जाएंगे, सबके दिलों के राजा, सबका दिल जीत सकेंगे। कोई भी इंसान सारे विश्व को बाहुबल से नहीं जीत सका है। सिकंदर राजा ने बहुत कोशिश की सारी दुनिया को जीतने की, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहलाया, लेकिन जब गया तो हाथ खाली गया, दिखाते ना। तो कहीं हम भी ये सबक तो जरूर सीखे कि हम भी ऐसे कहीं हाथ खाली ना जाएं, क्योंकि ये तो सब यहीं रह जाना है। परंतु अगर सबका दिल जीत लिया, जिसको आज दादी जी ने बताया और कल भी कई बताए कि दुआएं पाओ, दुआएं पाओ, ये है सबका दिल जीतना। दुआएं मांगी नहीं जाती है, दुआएं अपने आप मिलती है, आप उनका दिल जीतेंगे तो। इसलिए जहां दुआएं मिली, दिल जीता और दुआएं मिली, वो जगत जीत भी बन सकता है, सारे विश्व को आप जीत सकते हो। इसको हम कहते हैं मनुष्य से देवता बनना। तैयार हो उसके लिए? हाँ तैयार हो, जो तैयार है वो हाथ उठाए। अच्छा, वेरी गुड। तो शिव बाबा देख रहा है ऊपर से, वो देख रहा है कि मेरे इतने बच्चे तैयार हो गए। तो इसीलिए परमात्मा कैसे इस समय उस परमधाम से सृष्टि पर आते हैं, पिताश्री ब्रह्मा बाबा के तन में। पिताश्री ब्रह्मा बाबा कौन थे, कैसे उनको ये दिव्य साक्षात्कार हुए और कैसे ये प्रेरणा प्राप्त की, ये कल आपका एक विषय लेंगे 10:30 बजे हम, उसमें ये बातें आपको बताएंगे। क्योंकि कई पूछते हैं कि कैसे ये सब आपका हो रहा है, किस प्रकार से है, तो आपको कल इसी पर बताएंगे। क्योंकि परमात्मा ने उनको कैसे कलयुगी दुनिया और सतयुगी, कलयुगी दुनिया का विनाश और सतयुगी दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार कराया और उनको निमित्त बनाया। तो कैसे ये संसार का एक चक्र है, पर जितना ही इसको चक्र के रूप में देखें उतना ही इसको एक वृक्ष के रूप में भी देख सकते हैं। ये कल्प वृक्ष है, जैसे वृक्ष भी हम देखते हैं, वृक्ष के अंत में एक बीज आता है, उस बीज को फिर से रोपते हैं, फिर वो भी झाड़ बनता है या सैपलिंग लगती है, कलम लगता है, तो वो भी एक साइकिल है। इसी प्रकार इस संसार को एक झाड़ के साथ भी तुलना दे सकते हैं, जिसका बीज स्वयं परमात्मा है। तो जैसे अगर वो बीज चेतन होता, वो बताता कि कैसे मेरा वृक्ष निकलता है मेरे से, इसी प्रकार परमात्मा को कहा ही जाता है सत चित आनंद स्वरूप। वो सत्य है, चैतन्य है, वो चैतन्य बीज है जिसके पास सारी अपनी रचना का पूरा ज्ञान है। और कैसे वो बताते कि ये संसार जो वृक्ष की तरह है, उसमें जो थुर है,
वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। ये दो युग, एक ही राज्य, एक धर्म, एक मत, एक भाषा, एक जो इस भारत में था वही राम राज्य कहलाता था। लेकिन द्वापुर जैसे आया, द्वा माना दो, दो पुर हो गए तो दो भाग हो गया। द्वापुर आते ही जैसे अनेक शाखाएं निकली, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सारे जितने भी धर्म हैं, ये सब द्वापुर से निकले। और द्वापुर से निकलते निकलते धीरे 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 ये धर्म पिताएं आए। 2500 साल के अंदर ही ये धर्म पिताएं आए हैं। और परमात्मा ने इस साइकिल की अवधि 5000 ईयर्स ही बताई है। 5000 साल का ही एक साइकिल है और फिर वैसा ही साइकिल होना है। तो 2500 साल एक ही धर्म था, देवी देवताओं का धर्म भारत में, जो भारत के इतिहास में हम कुछ वर्णन नहीं सुनते हैं। हिस्ट्री भी 2500 साल की है, लेकिन इतना जरूर है कि आर्यन सिविलाइजेशन था भारत में, फिर वो अंग्रेजों ने आके सारी हमारी इतिहास को बदल दिया। कहीं वो नॉर्थ से आए थे आर्यन, नहीं, आर्यन माना सिविलाइज्ड वर्ल्ड, सिविलाइज्ड पीपल, वो भारत ही था। जहां जहां पर डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसती थी वो भारत देश हमारा था। तो वो सतयुगी त्रेता युग की दुनिया में आत्माएं सब देवात्माएं थी, लेकिन जैसे समय अंतराल हुआ, रावण की प्रवेशता हुई, ये धर्म पिताओं ने आकर के दुनिया को थमाया। और जिस समय जिस बात की आवश्यकता थी संसार में लोगों को देने की, वो दिया। और इससे अलग अलग शाखाएं बन गई, धर्मों की शाखाएं बन गई। सबका लक्ष्य एक ही था कि एक परमात्मा को याद करो। सब धर्म पिताओं ने लक्ष्य यही दिया था। लेकिन कैसे धीरे धीरे उनमें भी सतो रजो तमो अवस्थाएं आती गई और आज हम देख रहे हैं सभी धर्म अधर्म का रूप ले चुके हैं। और कलयुग का ये अंत जो पूरा ही कल्प वृक्ष जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त कर चुका है, अंत का समय है। शाखाओं की उपशाखाएं, उपशाखाओं की उपशाखाएं, यू नो, सब ब्रांचेस होते होते होते, जैसे पेड़ के चारों ओर पेरिफरी बिकम सो वीक, द फाउंडेशन इज सो स्ट्रांग, द जो थुर है, जो जड़ है, वो इतनी स्ट्रांग होती है, परंतु जो पेरिफेरी है वो कितनी वीक हो जाती है, क्योंकि सब 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 ब्रांचेस सब निकलती जाती है, वो इतनी पतली पतली होती जाती है, फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जो आज हम देख रहे हैं। एक एक धर्म में कितनी फूट है, शिया सुनी का झगड़ा, इस्लाम में देखिए, क्रिश्चियनिटी में देखिए, प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक्स, कितने हो गए हैं। हम तो अमेरिका में जाकर के हैरान हो गए, चर्चेस बहुत है, लेकिन ये फलाने की चर्च है, ये फलाने की चर्च है, ये फलाने की चर्च है, भारत में इसका पता नहीं चलता है, लेकिन वहां पर इतनी चर्चेज है, ये चर्च वाला उस चर्च में नहीं जाता है, ये चर्च वाला उस चर्च में नहीं जाता है। तो हम तो या भारत में तो ये बात नहीं समझ सके, लेकिन वहां जाकर के हमने इसको समझा कि कैसे इतने बटे हुए हैं ये सारे क्रिश्चियनिटी के अंदर, जैसे भारत में भी बटे हुए। जो कृष्ण के भक्त होंगे वो कृष्ण के ही मंदिर में जाएंगे, राम के मंदिर में नहीं जाएंगे। हाँ, एक बार अखबार में आया था कि एक मंदिर में दोनों मूर्तियां थी, राम की भी और कृष्ण की भी, तो एक आपस में झगड़ा हो गया राम के भक्तों का और कृष्ण के भक्तों का, आरती पर एक न्यूज थी। तो इतना झगड़ा हो गया कि जो राम के भक्त आते थे तो आरती उतारते थे तो कृष्ण के नाक में कपूस डाल देते थे, और कृष्ण के भक्त आते थे तो राम की जो मूर्ति उसके नाक में कपूस डाल देते कि मेरे जो आरती की धूप है वो उनको न पहुंचे, उनकी आरती की धूप उनको न पहुंचे। अब बताओ, आपस में झगड़ा है, भक्तों का झगड़ा वो देवताओं तक पहुंच गया। तो देखिए, अभी इसीलिए कहा धर्म ग्लानी, ये धर्म ग्लानी का समय है, जबकि परमात्मा आकर के
फिर से नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और ये ईश्वरीय यज्ञ स्थापित किया है। इस यज्ञ में परमात्मा कहते हैं विकारों की आहुति दो, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आहुति दो, और उसके लिए सबसे पहले अहम की आहुति दो। मैं जो अभिमान से हम सुबह से लेकर रात्रि तक कहते रहते हैं, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है डिक्शनरी का, क्योंकि डिक्शनरी में तो कई शब्द हैं, जो शब्द सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। कई शब्द तो हम जानते भी नहीं होंगे डिक्शनरी के, लेकिन वो शब्द सबसे अधिक हमारी आम भाषा में कॉन्वर्सेशन में लाया जाता है, कौन सा है वो शब्द? आई, इंग्लिश की आई या मैं या जो कुछ कहो, तो आई कितनी बार आप एक गिनती करना, लिखते रहना, जितनी बार मैं करते ना वो लिखना, कितनी बार मैंने मैं कहा, इतना सारा सबसे ज्यादा कहे जाने वाले शब्द। तो अभी परमात्मा कहते इसकी आहुति दो, मैं आत्मा हूं ये धारण कर लो। तो उसी से कैसे इन विकारों की आहुति हो जाएगी और मानव देव बन करके निकलेगा, नर नारायण बन के निकलेगा, नारी श्री लक्ष्मी बन के निकलेगी और ये संसार फिर से स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब और भी कई बातें हैं जो कल के विषयों में आपको बताया जाएगा, अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। काफी समय से आप बैठे हैं, हम 3 मिनट बिल्कुल जो कुछ आपने सुना उसका हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, रिट्रोस्पेक्शन करेंगे, चिंतन करेंगे और अपने आप को अनुभव कराएंगे कि कैसे हम फिर से देवता बन सकते हैं, अपने जीवन में दैवी गुणों को ला सकते हैं। ओम शांति। बात में अभी आपके जो भी प्रश्न हो अभी इसमें डालिए, ठीक है जी। नहीं सुनाई देता, बाद में बात, यू कैन स्पीक लेटर, ओके नो प्रॉब्लम। अब बिल्कुल सब बातों से न्यारी हो जाए, एकदम न्यारे, मैं एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, अजर अमर अविनाशी सत्ता हूं, इस शरीर से पहले भी थी, इस शरीर के बाद भी रहूंगी, ये शरीर तो मेरा एक साधन है, अब इससे न्यारे बन जाएं और शिव परमात्मा में मन लगाएं,
ओम।